एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 70 लाख लोग नशे के चपेट में हैं। हीरोइन और ड्रग्स के तो 10 लाख लोग पाए गए हैं, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी तीव्र गति से नशे के जाल में फंसता चला जा रहा है। इसके एक पंथ 100 काज हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है गिन करके बताए नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें एक तो जागरूकता तो नशे के विरुद्ध हो ही रही है, उसके अतिरिक्त पुलिस का जनता के साथ तालमेल बन रहा है और इसके अतिरिक्त भी जो है जनता जो पुलिस को कुछ बताना चाहती है वह बता रही है और आपराधिक गतिविधियों का सफाया हो रहा है और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ जो है सद्भाव और लोगों के लोक कल्याण के कार्यों की बात हो रही है और लोगों में अच्छी चीज़ों का जागरूकता फैलाई जा रही है। नशे में दुख व्यक्ति को इस बात का संज्ञान नहीं रहता कि वह कहाँ है, किस ओर बढ़ रहा है। उसके लिए समाज, मर्यादा, बहु बेटी, छोटे बड़े का फर्क शून्य हो जाता है। ऐसे जेड़े साडे शरारत तत्व ने, जेड़े साडे भविष्य की खत्म करना चाहते ने, साडे समाज की खत्म करना चाहते ने, असी हमेशा उनके तो बाहर जाना चाहिए। ना नशा करना है, ना नशा खरीदना। अपने आप हमारे सिर्फ नशा ना करने और ना खरीदने से ही जितने नशा जहां पे बेच रहे हैं, चाहे वो चिटा बेच रहे हैं या कोई और नशा, उनकी दुकानें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। सर्टिफिकेट डोनेशन प्राइज ऑफ रुपीज 2000 सेविंग ए कंसोलेशन प्राइज सर्टिफिकेट। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।